हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी नेमा दिस साइड। और आज हम बना रहे हैं समोसे। दोस्तों, आज हम समोसे गेहूं के आटे से बनाएंगे। उतने ही यम्मी लगते हैं, उतने ही टेस्टी लगते हैं जितने की मार्केट के। और वीडियो पूरा देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही शानदार शानदार रेसिपीज के लिए। तो मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। बहुत यम्मी है दोस्तों, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने लेना है एक बड़ा कप गेहूं का आटा। दोस्तों, अब मैंने इसमें डालना है तेल। मोइन के लिए लगभग मैंने 1/4 कप तेल लिया है। दोस्तों, यहाँ पर ऑयल को मैं डाल देती हूँ। और साथ ही साथ हमने इसमें डालना है नमक एज पर योर टेस्ट। मोइन को हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद ही हम डो बनाएंगे। तो सभी चीज़ों को दोनों हाथों से मिक्स करते हुए हमने मोइन को मिक्स करना है इसमें। मोइन मिक्स हो चुका है, ये देखिए दोस्तों। अब हमने क्या करना है, डो बनाना है। तो डो बनाने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। देखिए मैंने यहाँ पे कितना थोड़ा सा पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और डो बनाएंगे। डो बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको सख्त आटा गूंदना है, आपको कड़ा ही आटा रखना है। तो ये देखिए डो तैयार है और देखिए कितना सख्त है। अब बनाते हैं हम आलू का मसाला। और आलू का मसाला बनाने के लिए हमने लेना है पैन, और पैन में डालना है ऑयल। साथ ही साथ हमने इसमें डालना है राई। राई के साथ साथ हम डालेंगे इसमें सौंफ, और सौंफ के साथ साथ हमने डालना है जीरा। और साथ ही साथ इसमें जाएगा धना पाउडर। सभी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। और इसी के साथ साथ हमने डालना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेटेड जिंजर। आप जिंजर का पेस्ट भी ले सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे जिंजर को ग्रेट करके लिया है। और इसे तीखा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और सभी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। मसालों को 1 से 2 सेकंड हमने रोस्ट करना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को, और एट लास्ट हम इसमें डालेंगे उबले मैश्ड आलू। अब हमने इसमें डालना है काला नमक। दोस्तों, काला नमक ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद हमने डालना है इसमें सादा नमक, और साथ ही साथ इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ धनिया। तो हमने सभी चीज़ों को मिक्स करना है। मसाला जो है परफेक्टली तैयार है, रेडी है। तो अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। आलू के मसाले को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमने इसमें डालनी है किशमिश। 10 से 15 किशमिश ली हैं, और मैं यहाँ पे किशमिश को डाल देती हूँ। साथ ही साथ हमने इसमें डालने हैं काजू। दोस्तों, काजू को मैंने बीच में से कट करके लिया है, तो काजू को भी हम इसमें डाल देंगे। और सभी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। दोस्तों, काजू और किशमिश से समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों, ये जो मसाला है ना आलू का, बहुत यम्मी लगता है। आप काजू और किशमिश डालिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में और बनाते हैं समोसे। अब हमने थोड़ा सा डो लेना है और स्मूथ लोई बनाकर तैयार करनी है। और अब हमने इसे राउंड शेप में बेलना है, और इस तरह से हम इसे इवन भी करते जाएंगे, क्योंकि आटा जो है वो सख्त है दोस्तों। तो हम इसे इवन करते जाएंगे इस तरह से। और इसे हमने थोड़ा राउंड शेप में बेलने के बाद इसे हमने इस तरह से लंबा शेप में बेलना है। अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे इस तरह से पानी लगाना है। इसके बाद हमने इसे कोन का शेप देना है। कोन तैयार है दोस्तों। और अब हमने क्या करना है, इस अंगूठे और उंगली के होल्स के बीच में हमने समोसे के कोन को रखना है। और अब हमने इसमें फिल करना है मसाला। तो अब हम इसमें मसाला को फिल कर देंगे। अब हम चारों साइड इसमें पानी लगाएंगे और इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, समोसा बिल्कुल तैयार है, परफेक्टली समोसा बना है। तो इसी तरह से मैं आपको एक और समोसा बना के दिखाती हूँ। दोस्तों, आपने क्या करना है, समोसे की पट्टी लेनी है, पानी लगाना है ऊपर और नीचे, इसे फोल्ड करना है और कोन का शेप देना है। तो परफेक्टली हम इसे कोन का शेप देंगे इस तरह से, ये देखिए दोस्तों। और इसके बाद हमने इसे इस तरह से रखना है। और अब हम इसमें फिल करेंगे आलू का मसाला। और इसके बाद हमने चारों साइड इसमें पानी लगाना है और इस तरह से हमने इसे बंद कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने बंद कर देना है। और ये देखिए दोस्तों, परफेक्टली समोसा जो है वो तैयार है। तो इस तरह से मैंने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, परफेक्ट समोसे बन के तैयार है ना।
नीचे से भी परफेक्ट है, ऊपर से भी परफेक्ट है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल समोसा है, लेकिन आटा समोसा है, घर का समोसा है दोस्तों। हमने हलवाई स्टाइल में ही बनाया है, लेकिन आटा समोसा बनाया है। तो अब हम चलते हैं फ्राई करने की प्रोसेस में। दोस्तों फ्राई करने का जो प्रोसेस है वो ध्यान से देखिएगा। कढ़ाई में लेना है तेल, ऑयल जो है दोस्तों बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे डालना है थोड़ा सा डो, और डो जो है वो ऊपर उठ के नहीं आ रहा है, ना ही कोई बबल्स उठ रहे हैं, हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं, इतना हल्का गर्म जो है वो तेल होना चाहिए। और इस स्टेज में आके हमने डालने हैं समोसे। तो 1:1 मैं यहाँ पे समोसे को डाल देती हूँ। शुरुआत में आपने फ्लेम को लो और बहुत ही हल्का गर्म तेल रखना है। जब ये हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू हो जाए तब आपने फ्लेम को मीडियम करना है। बीच बीच में हमने समोसे को पलटना है और फ्राई करना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं समोसे, तो इतने गोल्डन हमने समोसे को करना है। ये देखिए दोस्तों परफेक्ट समोसा बना है, समोसे फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और अब हम इन्हें सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों कितने फैंटास्टिक लाजवाब समोसे बने हैं। और ऐसे ही शानदार शानदार रेसिपीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार शानदार रेसिपीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।